गुड इवनिंग गाइस। जैसा कि आप सभी को जानते हैं दोस्तों कि सुबह के 7 बजे और शाम के 7 बजे मैं डेली क्लास लेता हूं, और डेली सेशन रहता है सुबह के 7 बजे जो ग्रामर सेशन होती है, और रात को 7 बजे आपको वोकेबुलरी सेशन होता है। तो दोस्तों अभी हम लोग वोकेबुलरी करेंगे, और वोकेबुलरी जो है बहुत सिंपल ट्रिक के साथ, जो देसी ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। अगर आपको इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करना है दोस्तों, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंस जो होते हैं वोकेबुलरी होते हैं, मतलब जो वर्ड होते हैं उस वर्ड को मीनिंग जानना जरूरी होता है। अगर मीनिंग नहीं जानते हैं तो आपका इंग्लिश जो है, इंग्लिश में जो भी है मीनिंग समझने में आपको मीन्स दिक्कत होती है। तो दोस्तों चलिए आज का जो है 10 वर्ड्स क्या है वो समझते हैं। तो चलिए दोस्तों फर्स्ट वर्ड यहाँ डिस्कस करते हैं। दोस्तों फर्स्ट वर्ड जो है यहाँ पे पुनिटिव, फर्स्ट वर्ड जो है पुनिटिव देख रहे हैं, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है, और इसका मीनिंग के बात करेंगे तो दंडनात्मक। क्या है दंडात्मक? दंडात्मक मतलब दंड देने का योग्य। तो दंडात्मक, तो यहाँ से ट्रिक कैसे निकालना है आपको दोस्तों, ट्रिक जो है क्या है पुनिटिव, यहाँ से पुनित को पुनिटिव, पुनित पुनिटिव पुनित, और पुनित ने गलत काम किया इसीलिए उसे पुनिटिव दिया, मतलब दंड दिया गया, मतलब दंडात्मक दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड राइट। ओके, नेक्स्ट वर्ड है प्रोस्क्राइब। क्या है प्रोस्क्राइब? प्रोस्क्राइब पार्ट्स ऑफ स्पीच एग्जेक्टिव, उसके बाद माना करना। क्या है मीनिंग? माना करना, या इसको हाँ माना करना, उसको प्रतिरोध करना, जो भी है। तो यहाँ पे प्रोस्क्राइब को कैसे याद करना, प्रोस्क्राइब सब्सक्राइब, प्रोस्क्राइब सब्सक्राइब, AES, AES का मतलब है अशोका इंग्लिश स्टडी। अशोका इंग्लिश स्टडी को सब्सक्राइब करने के लिए कोई प्रोस्क्राइब नहीं करता है, मतलब कोई नहीं आपको प्रोस्क्राइब कर रहा है, कोई नहीं आपको मना कर रहा है, आप सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, अगर न्यू व्यूअर है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, यही इसी में से। तो चलिए अशोका इंग्लिश स्टडी को सब्सक्राइब करने के लिए कोई प्रोस्क्राइब नहीं किया जा रहा, या कोई प्रोस्क्राइब नहीं करता है, इस तरीके से प्रोस्क्राइब को याद करेंगे, मतलब माना करना। नेक्स्ट वर्ड है प्रोफाउंड। प्रोफाउंड है, यह भी वर्ब है, और इसका मतलब, इसका मीनिंग के बात करेंगे तो विचार या प्रस्ताव करना, विचार करना या प्रस्ताव करना। तो यहां से प्रोफाउंड है, तो यहाँ से प्रो आवाज साउंड जो हो रहा है प्रो, ठीक है प्रो आवाज जो साउंड आ रहा है प्रो, यानी पुअर, पुअर लोगों को मदद करने का प्रोफाउंड किया, मतलब मदद करने का क्या किया गया, प्रोफाउंड किया गया, समझ में आ रहा है? तो पुअर लोगों का जो है ना प्रोफाउंड किया गया। नेक्स्ट वर्ड बात करेंगे एमनेशिया। क्या है नेक्स्ट वर्ड? एमनेशिया। एमनेशिया जो है ये नाउन है, और इसका मीनिंग है एक भूलने का बीमारी, कोई एक बीमारी है एमनेशिया, जो ये भूलने का बीमारी है। अगर बहुत कोई भूल जाते हैं तो इसलिए भूलने के लिए, अगर इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करना है तो वोकेबुलरी सबसे बड़ा रोल करता है, रोल निभाता है वोकेब। अगर वोकेब जानते हैं तो इंग्लिश भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भूलने का बीमारी को एमनेशिया बोलते हैं, तो इसको याद कैसे करेंगे? तो यहाँ से एमनेशिया से अमन आ रहा है, ठीक है एमनेशिया, अमन अमन, एमनेशिया अमन, अमन को एमनेशिया है, अमन को एमनेशिया है, मतलब अमन को जो है भूलने का बीमारी है, किसी भी चीजों को भूल जाता है, इसका मतलब भूलने का बीमारी है। फाइव जो है आपका, फाइव इनकम्बेंट, इनकम्बेंट जो है नाउन है, और ये पदधारक या पदधारी बोलते हैं, ठीक है पदधारक बोलेंगे या पदधारी। तो ट्रिक है इनकम्बेंट मतलब इनकम्बेंट, इन होके ऑफिस, कहाँ इन होके ऑफिस में
इन हो के ऑफिस में इनकम्बेंट हो गए, मतलब पदधारी हो गया। इन हो गया ऑफिस तो पदधारी बन गया, पदधारी हो गए। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड देखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड है लंच। क्या है लंच? क्या है लंच? लंच लंच जो वर्ब है और इसका मीनिंग है मतलब बेकायदा, बेकायदा मार डालना, बेकार को मार डालना, बेकायदा मार डालना। तो ठीक है, लंच को लंच, लंच लंच, लंच को लेकर उसे लंच किया। क्या किया? उसका मार डाला, मतलब दोपहर का लंच होता, उस लंच को लेकर किसी तरह से झगड़ा हुआ या किसी तरह से हुआ, तो उन्होंने क्या किया, लंच कर दिया, उसे लंच कर दिया, मतलब सॉरी लंच कर, लंच कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है एट्रोसिटी। एट्रोसिटी है नाउन है और ये अत्याचार या कुर्ता है ना, अत्याचार या कुर्ता। तो एट्रोसिटी को मेट्रो सिटी, मेट्रो सिटी क्या है, एक नगर जिसको हम नगर बोलते हैं। ठीक है, नगर, नगर में बड़े बड़े नगरों में क्या होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, लोग होते हैं जिसमें से भीड़ भाड़ बहुत धड़ाका है ना, तो उससे जो है उससे क्या होता है, मतलब कहने का मतलब एट्रोसिटी में जो है अत्याचार होता है, इसका मतलब अत्याचार या कुर्ता। तो मेट्रो सिटी जहाँ बहुत सारे जनसंख्या रहेगा, बहुत सारे संख्या है, बहुत सारे मतलब पॉपुलेशन है, वहां तो धकला धकली जिसको बोलते हैं वो तो होगा। तो मेट्रो सिटी में एट्रोसिटी होता है, क्या होता है, मेट्रो सिटी में एट्रोसिटी होता है। नेक्स्ट वर्ड है देसी पैट। देसी है ना, देसी पैट, देसी पैट, देसी पैट जो है भर्व है और कम हो जाना या गायब हो जाना, धीरे धीरे कम हो जाता है या गायब हो जाता है। तो ऐसे है डिसी पेट को डिक्रीज है ना, डिसी पेट मतलब डिक्रीज होते होते डिसी पेट हो गया, मतलब कम घटते 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 क्या हो गया, डिसी पेट हो गया। तो इसको इस तरीके से याद करेंगे। चलिए नेक्स्ट वर्ड है ऑफ स्ट्रेन। क्या है ऑफ, ऑफ स्ट्रेन, यहाँ से लिखे ऑफ स्ट्रेन, ऑफ स्ट्रेन, ऑफ स्ट्रेन या ऑफ स्ट्रेन, ऑफ स्ट्रेन परहेज करना या दूर करना, ये वर्ब है, यहां से कीजिए ऑफ और स्ट्रेन। ठीक है, ऑफ स्ट्रेन, एस मतलब ऑफ स्ट्रेन, ऑफ स्ट्रेन है ना, ऑफ स्ट्रेन। तो ऑफ जो है स्ट्रेन है, स्ट्रेन है मतलब स्ट्रेन का मतलब होता है पेन, दर्द, पेन दर्द। ऑफ स्ट्रेन मतलब ऑफ जो है स्ट्रेन, ऑफ स्ट्रेन से बचना है, अगर दर्द से बचना है तो आपको जंक फूड को अबस्ट्रेन करना पड़ेगा, मतलब जंक फूड को अबस्ट्रेक करना पड़ेगा, मतलब है कि उसको दूर करना पड़ेगा, तभी आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, और नहीं तो स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा, तो दर्द तो ही देगा, ही देगा कहीं भी। नेक्स्ट वर्ड है पार्लेंस। पार्लेंस, पार्लेंस जो है नाउन है और ये बातचीत या शब्द बोलने का ढंग को बोलते हैं। ठीक है, शब्द कैसे बोलते हैं, मतलब मुंह से ही शब्द जो बोलते हैं उससे भी लात भी मिल सकता है, और अच्छे से अच्छे शब्द बोलते हैं तो उसमें भी आपको प्रेज मिल सकता है, मतलब प्रशंसा कर सकता है, अच्छा बोल सकता है। तो यहाँ से पार्लेंस, तो यहाँ से याद करेंगे पार्ले जी, आप बिस्कुट का नाम है पार्ले जी, पार्ले जी खाते खाते लोग पार्लेंस हो जाता है, मतलब बातचीत करने लगता है और बातचीत सीख भी जाता है, बोलने का ढंग भी सीख जाता है अगर नहीं जानता है। तो दोस्तों हम लोग यहाँ 10 वर्ड्स किए और जो भी इम्पोर्टेंस जो वर्ड्स होते हैं वही चीज डिस्कस करते हैं, जैसे यहाँ डिसिपेट, एट्रोसिटी, लाइंस, ऑब्सटेन और पार्लेंस, और पिछले जो था उसमें भी डिस्कस किए थे। तो जो भी वर्ड्स होते हैं वो बहुत आसानी तरीके से सोचते हैं कि वो ट्रिक के माध्यम से अगर याद करते हैं तो इजी तरीके से याद हो जाता है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया दोस्तों तो लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, और नए व्यूअर है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए चैनल को, और साथ ही बेल घंटी का भी प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहेगा, ताकि आप सीखते रहेंगे और अब जो है यूपी टेट उसका भी तैयारी हो चालू हो जाएगा,
बहुत जल्द, 1-2 दिन के अंदर में तो है। इसको कर दीजिए, ग्रामर के लिए सुबह 7 बजे है और शाम के, सुबह 7 बजे और शाम के लिए होके होता है, तो आप जानते हैं। तो थैंक यू, यहीं पे बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए अगर जो अच्छा लगता है, और अच्छे अच्छे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, कैसे कैसे ग्रामर से रिलेटेड या लिटरेचर से रिलेटेड। थैंक यू।